आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। रेफर टू द गिवन लैटरल व्यू ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अगर हम इस फिगर को केयरफुली देखेंगे और इनके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो जो पार्ट ई है उसे एपिडाइडेमिस कहा जाता है, पार्ट एफ को वास डेफरेंस कहा जाता है, पार्ट जी को सेमाइनल वेसिकल्स कहा जाता है जो अकर करते हैं इन पेयर्स, पार्ट एच को टेस्टिस कहा जाता है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, पार्ट आई को यूरेथ्रा कहा जाता है, और फाइनली जो पार्ट जे होता है उसे स्क्रॉटम कहा जाता है जो एक पाउच होता है जो मेनली कैरी करता है टेस्टिस को। मूविंग ऑन टू द स्टेटमेंट्स, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह कहता है कि पार्ट ई जो कि है एपिडाइडेमिस स्टोर स्पर्म्स एंड सिक्रीट्स अ फ्लूइड दैट नरिशेस देम। डेफिनेटली इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कहता है कि पार्ट एफ जो कि है वास डेफरेंस वह मेनली कैरी करता है स्पर्म को फ्रॉम पार्ट ई विच इज द एपिडाइडेमिस। सो डेफिनेटली वह कैरी करता है स्पर्म्स को पार्ट एफ जो कि है वास डेफरेंस। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कहता है कि पार्ट जी प्रोड्यूसेस 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सीमन एंड कंटेन्स सिट्रिक एसिड। दिस इज डेफिनेटली अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं वह मेनली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सिक्सटी% ऑफ द सेमाइनल फ्लूइड और यह फ्लूइड मेनली कंसिस्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स विच आर नेसेसरी फॉर कोएगुलेशन ऑफ द स्पर्म्स। इसके अलावा वह प्रोस्टाग्लैंडिंस भी प्रेजेंट होते हैं और फ्रुक्टोज भी प्रेजेंट होती है। दिस इज द ओनली फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी जहां पर फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है विच इज द सेमाइनल फ्लूइड। सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि है स्टेटमेंट 4, वह कहता है कि पार्ट एच रिप्रेजेंट्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल दैट प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड गैमेट्स। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि जो टेस्टिस होते हैं वह मेनली प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स और जो स्पर्म्स होते हैं वह हैप्लॉयड होते हैं। सो हेंस स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ स्टेटमेंट जो कहता है कि पार्ट आई कैरीज बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन टू द पेनिस। डेफिनेटली दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। जो यूरेथ्रा होता है वह कॉमन ट्रैक्ट या फिर कॉमन होता है टू द स्पर्म्स एज वेल एज द यूरिन। सो स्टेटमेंट 5 इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेटमेंट जो कहता है कि पार्ट जी इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच दैट कीप्स टेस्टिकुलर टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस हायर देन द बॉडी टेम्परेचर। जो स्क्रोटम होता है वह मेनली एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच तो होता ही है लेकिन वह टेम्परेचर को ऑफ द टेस्टिस
लोअर करता है बाय 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो यह एक गलत स्टेटमेंट होगा। बाय 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस देन बॉडी टेम्परेचर, इसलिए यह स्टेटमेंट 6 भी सरासर गलत होगा। हेंस वी कैन से दैट स्टेटमेंट 3, 4 and 6 आर इनकरेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन विच सेज दैट स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 एंड स्टेटमेंट 6 ओनली आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।